मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनी धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमा सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासनं ईशसुरासुरमनुसिंध बंदिदं दूधिगायिकां अमलं परमामि वर्ध्यमानं तीर्थं दमस्क शिशी पुणतीतरे सब सिद्धि विशुद्ध सभावे समणेयण दंसन चरित तवीरियायारे तीते सवे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम बंदाभियवर्तन्ते अरहन्ति मानुषे खेते केचायरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणाराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चीविस्थ तीसिं विशुद्धिदंसं नाडिपहाडा समं समासिज उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाण सुरेन्द्र नरेन्द्र असुर प्रतिबंधित घाति कर्म प्रक्षालक जो नमन करो मैं धर्मति करताय निवर्धमान प्रभु को अन सवीति तंकर विशुद्ध सत्तायुत सिद्धों को दर्शन ज्ञान चरित्र वीरता युत मुनिवर को उन सब को में एक साथ या एक एक करके सब को नमन करूं मैं मनुज क्षेत्र में वेद मान अरियंतों को अरियंतों को सिद्धों को गणधर भगवंतों को अध्यापक सर्व साधु को वंदन करके इन सब को इनकी शुद्ध ज्ञान दर्शन में निर्मल आश्रम को पाकर साम भाव को प्राप्त करूं मैं जो मंगल शिव पदा। प्रवचन सार जी परमागम में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 47 नंबर की गाथा पाठ करके फिर से जयसेन स्वामी की टीका पेज नंबर है 116। जम तक काली मिदिरम जान दिजुगवम समंत दो सबम अतम विचित विषिमम तमणाणम खायम भणियम जो सर्वात्म प्रदेशों द्वारा युगपत वर्तमान वाहन विषम विचित्र सभी द्रव्यों को जाने वही छायक ज्ञान। हेडिंग में थी कि वह पुनः प्रकृत चालू विषय का अनुसरण करके अतीन्द्रिय ज्ञान का सर्वगत रूप से अभिनंदन करती है। अतीन्द्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है ऐसी उसकी प्रशंसा करते जो एक ही साथ सर्वतः तात्कालिक अतात्कालिक विचित्र विषम मूर्त अमूर्त असमान जाति समस्त पदार्थों को जानता है उस ज्ञान को छाय ज्ञान कहते। यानी इस प्रवचन सार जी में किसकी प्रशंसा कर रहे हैं और समय सार की शैली
उसकी में किसकी प्रशंसा करते। 181, 182, 183 गाथा संवर अधिकार में वहाँ भेद ज्ञान का अभिनंदन किया, यहाँ सर्वज्ञता का अभिनंदन करते। संवर अधिकार भेद विज्ञान की महिमा गाते और यहाँ भेद विज्ञान के फल की महिमा गाते, यानी उसका रिजल्ट क्या है कि जो स्वाभाविक सामर्थ्य है वो प्रकट हो तो तेरे दुख मिटे, टेम्परेरी दुख मिट भी गए, सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया, सम्यक चारित्र भी हो गया, और केवल ज्ञान नहीं हुआ तो फिर वह भ्रमण खड़ा हो जाता। तो ऐसे ज्ञान को याद किया है जो पूर्ण सामर्थ्यवान स्वाभाविक, जैसा खिली सब आठों कमल पुनी खिल गया हो, ऐसी सर्वज्ञता का यहाँ अभिनंदन करते। यहाँ बताने की तरीका में और समय सार के बताने के तरीके अलग अलग हैं। अभी अपन को जयसेन स्वामी की टीका 118 पेज, उत्थान का, यहाँ ज्ञान प्रपंच या ज्ञान के विस्तार का प्रकरण, उस प्रकरण का अनुसरण करके फिर से केवल ज्ञान को सर्वज्ञपने के रूप में निरूपण करते। समझ में आ रहा कुछ कह रहे, यहाँ केवल ज्ञान को सर्वज्ञपने के रूप में याद करें। ऐसा क्यों कहा, केवल ज्ञान और सर्वज्ञता में क्या अंतर, अपन तो एक ही मानते आ रहे हैं। तो कहते हैं पहले हमने केवल एक को जानने से केवली, और आज ये कहना है हमें कि सबको जानने से सर्वज्ञ। थोड़ी शब्द एक ही जगह एक ही व्यक्ति के लिए दो रूप में, समाभिरूढ़ से देखोगे तो शब्द के जैसे अर्थ लगाना चाहिए। केवल का तो केवल एक का नाम, और सर्वज्ञ का तो सबका नाम, और है एक ही चीज़। और बताने के तरीके दो, जब कहा था श्रुत केवली और केवल ज्ञानी में अंतर नहीं है, कौन सी गाथा थी 33-34 कि श्रुत केवली भी श्रुत ज्ञान से, केवल एक ज्ञायक को जानने से श्रुत केवली, केवल ज्ञानी केवल एक ज्ञायक को जानने से केवल ज्ञानी, वहाँ दोनों ने एक ज्ञायक ही को जाना, तो ये दोनों समान। इसलिए बहुत जानने के क्षोभ से बस वहाँ क्या कितना गजब का प्रयोजन था, अधिक जानना उपदेश नहीं है, कितने शास्त्र पढ़ना, क्या पढ़ना कि जिससे अनुभव हो जाए, ये उद्देश्य, जिससे भगवान बन जाओ, ये उद्देश्य। तो वहाँ क्या कहा था, गैर लुप्तता छोड़ो, आप बहुत पढ़ते हो परंतु प्रयोजन नहीं सकता, आत्मा को पढ़ो। 33-34 का आज क्या कहते, सार्थक कब हुई तुम्हारी पढ़ाई, जब तुम्हारा जो स्वभाव था वो पूरा खिल गया, अब तुम्हें भव भ्रमण कोई नहीं करा सकता जगत। तो आज सर्वज्ञता के रूप में याद कर, देखो हेडिंग में समझ आता जैसे स्वामी कहाँ खड़े होके बोलते। फिर से पढ़ रहे, ज्ञान प्रपंच यानी ज्ञान का विस्तार, प्रपंच यानी वो नहीं उपद्रव, प्रपंच यानी विस्तार, तो ज्ञान के विस्तार की बात कर रहे। प्रकरण का अनुसरण करके यानी जो पहले एक गाथा को छोड़ के जो चली आ रही कथा सर्वज्ञता की, उसकी बात फिर से दोहरा, तो वो ही केवल ज्ञान को अब सर्वज्ञ बने से हम स्मरण करते। केवल ज्ञान को काई से याद करते, सर्वज्ञ बने से याद करते। हमारे भगवान केवल ज्ञानी में पढ़ने पता है तो आत्मा जानते, आत्मा जानने से। आज क्या कहते, आत्मा जानने वाला सब कुछ जानता, सर्वज्ञता को स्मरण करते। तात्पर्य वृत्ति, जो ज्ञान रूप करता जानता। अब इसमें पूरी व्याख्या करें, कौन है करता, क्या जान लिया, कैसे जान लिया, क्यों जान लिया, सब कितना बच्चों जैसा पढ़ाती। जो ज्ञान रूप करता है, अपन ने तो समझा था आत्मा तो ज्ञाता है करता नहीं। अरे भैया जो ज्ञान है ना वो स्वतंत्र पढ़े अपना काम करता, तो ज्ञान में करता तो नाम का भी धर्म, एक गुण का दूसरे गुण में रूप पाया जाता है, विभुत्व नाम की शक्ति। तो ज्ञान में अनंत शक्तियों का रूप, तो ज्ञान में विभुत्व भी, सर्वदर्शित्व भी, अस्तित्व भी, वस्तुत्व भी, प्रमेयत्व भी, एक शक्ति में अनंत शक्तियों के रूप रहते, क्योंकि यहाँ वस्तु अखंड होती है,
वे अलग अलग नहीं बैठे गेहूं के दाने जैसे, एक ही वस्तु की विशेषताओं को गुण कहते। तो ये क्वालिटी बता रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान नाम का जो असाधारण गुण है, उस असाधारण ज्ञान में अपना काम करने का गुण भी है। तो वो अपना काम जानने का कर लेता है, उसे जानने के लिए गेय की तरफ नहीं देखना, गेय से सहयोग नहीं लेना, स्वयं करता है। ज्ञान अपने जानने रूपी धर्म को कौन करेगा, उसे कोई भाव शक्ति अभाव शक्ति है, भाव शक्ति तो करेगी कि नहीं सबको। अरे भाव शक्ति आत्मा ही की है भैया, वो दूसरे नहीं। अभय जी आए थे तो बता रहे थे, एक पंडित बहुत बड़ा पंडित बोले अस्तित्व गुण पढ़ा रहा था, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा उसका अस्तित्व बना। तो वो पढ़ा रहा था, अर्थ है कि आत्मा इतना बड़ा द्रव और एक अस्तित्व के गुण से टिका रहे, क्या गजब की बात, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो अस्तित्व को पढ़ा रहा था और अस्तित्व को काट रहा था। तो फिर अभय जी ने उसे पकड़ा कि तुम क्या पढ़ रहे थे भैया, कि अस्तित्व गुण के कारण से इतना बड़ा दो। अरे अस्तित्व गुण आत्मा की विशेषता है, अलग अलग नहीं है, दो चीज़ें, ये गुण है और ये आत्मा बैठ। तुम आत्मा के गुणों को फालतू कहते, इसकी इसकी जैसे गुण कोई अलग से आता हो, ये नहीं आए को वैसे से बात नहीं है कि वहाँ से गुण ला के आत्मा गुणी बना, ये आत्मा ही है भैया। जो अस्तित्व कहो चाहे आत्मा कहो चाहे ज्ञाता कहो चाहे, अनंत शक्तियों का रूप है एक वस्तु। अपन अनंत शक्ति सुनते हैं तो अपन को ऐसा लगता है शक्ति अलग है और आत्मा। अरे द्रव्य की विशेषता ही का नाम शक्ति, मूल वस्तु द्रव्य, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है सत, पर द्रव्य मूल वस्तु। तो अभी क्या कह रहे, जो ज्ञान है वो कर्ता नाम के गुण का धनी है, तो वो अपना काम करने में समर्थ है। तो सर्वज्ञता कौन लाएगा, ये आत्मा खुद ही सर्वज्ञता रूप पर्ण में। तो किसको जानता है आत्मा, तो कहते हैं पदार्थों को जानता है, पदार्थ को जानता है। ये पदार्थ विशेष पद तत्काल पर संबंधी अर्थात वर्तमान, और भूत और भविष्य संबंधी समस्त पदार्थों के सारी पर्याय को सदा एक समय में जानता। जुगमम किस प्रकार जानता है, युगपत एक समय में जानता है, सर्व ऊर से जानता है, सर्व आत्म प्रदेशों की तरफ से जानता है, सर्व प्रकार से जानता है। यानी चार बातें लगा लेनी चाहिए, जब एक एक विशेषण सर्व सर्वत्र सर्वथा सर्वदा, ये एक वक्त कहा जाएगा, एक कारक लगाए तो छह कारक लगाए। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, तो कहते इसमें छह कारक लगाओ, अपनी अपनी से होती है और अपने अपने साधन से होती है, अपने अपने लिए होती है, अपना धर्म किसी दूसरे के काम में नहीं आता, और अपने आधार से होती है, और अपने ही में से और अपने ही को वो संप्रदान अपने ही को प्रकट होता है केवल ज्ञान, और अपने ही को समर्पित होता है। छह कारक लगा ऐसे यहाँ कहते सर्व सर्वत्र सर्वथा सर्वदा, चारों विशेषण द्रव्य चित्र काल भाव सब जानता है, आत्मा को जानता है। तो आत्मा को क्या जानता है, आत्मा को द्रव्य जानता है, आत्मा का चित्र जानता है, आत्मा के गुणों को जानता है और आत्मा की पर्याय को जानता है, सब ओर से जानता है। स्वरूप संपत्ति है, स्वरूप संपत्ति कहा था। थोड़ा देखो रस लोगे आप तो आनंद आएगा, और ऐसे निराश से बैठोगे जैसे भाई प्रवचन सार बहुत गंभीर, अरे आपका आत्मा ही महा भजनदार है गंभीर, तो उसके प्रति उल्लसित वीर चाहिए, उछलता हुआ हृदय चाहिए, अरे ऐसा मैं ऐसी मेरी शक्ति ऐसा भगवान बनूंगा, ऐसी मेरी सर्वज्ञता प्रकट होगी, तो उसकी प्रशंसा करते, उस सर्वज्ञता की प्रशंसा करते हैं कि तेरे में सर्वज्ञता के बीज पड़े हैं और तू सर्वज्ञ होगा तो ऐसी सामर्थ्य खिलेगी। ये समय साथ प्रयोजन साधने मात्र नहीं है, ये वैभव सौंपने के लिए सामर्थ्य बताएगा, और आपके चित्त में पानी आना चाहिए कि अरे कैसा अद्भुत में, तब वो रस आएगा ना, तब वो मिथ्या जाएगा। ऐसे मिथ्या तो नहीं जाता जैसे अपन समझ रहे हैं, यहाँ हमें मालूम आत्मा, ज़्यादा नहीं जाओ डिटेल में नहीं जाओ, ये बनिया आदमी है, इसे विशेष आनंद भोगने का भी मन नहीं होता,
सर्वज्ञ भगवान मिले हैं सौंपते हैं वैभव सर्वात्म प्रदेशों से सर्व प्रकार से जानता है। कैसे जानता है? आत्मा की रोम रोम को प्रदेश प्रदेश को जानते हैं भगवान और सब कुछ जानते हैं भगवान। तुम ना बताओ अपने पाप भगवान सब जानते, तुम ना बताओ धर्म सब जानते भगवान। भगवान के ज्ञान से कुछ भी बाकी नहीं रहता। जो सर्वज्ञ को मानता है वो पाप छिपाने का पाप नहीं कर सकता क्योंकि उसे सब भगवान देख रहे हैं। किसको मानो? इसने भगवान को चैलेंज कर दिया कि कोई है ही नहीं भगवान। श्रीमद जी ने पढ़ा, तू कहता है सर्वज्ञ नहीं, तो हम तो तुझे ही सर्वज्ञ मानेंगे क्योंकि जब सब कुछ देख के वो भूल रहा हो तो तू सब देखा है होगा, तो सब देखा है तो वो सर्वज्ञ ही तो कहला। मैं तू कहता सर्वज्ञ नहीं तो हम तो तुझे ही सर्वज्ञ मान। सर्वज्ञता की सिद्धि करने के लिए वीरसेन स्वामी समंतभद्र स्वामी नगाड़ा बजाते थे, चारों दिशाओं में जाते चैलेंज करते थे। क्यों? इतनी जरूरत पड़ी थी उस समय। आज तो आत्मज्ञ बनने की जरूरत है, समय सार मिल गया ना तो अपन को आत्मज्ञ बना रहे। ये कह रहे थे पहले सर्वज्ञता की सिद्धि में होश उड़ जाते थे, कर्तत्व के सारा विमान चूर चूर हो जाता था, क्रमबद्ध की सिद्धि हो जाती थी, व्यवस्थित विश्व दिखने लगता था। सर्वज्ञता कोई सामान्य बात थोड़ी कि हमें नहीं चाहिए सर्वज्ञता, तो तुम हो गए भी तो नहीं। सर्वज्ञता हमारा अधिकार है, हमारा स्वभाव है, हम भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते थे। जगत में सर्वज्ञता के नाम से डॉक्टर साहब कितना मानते हैं, सब जानते हैं उनके भगवान, और वही पूछत फिर रहे कहाँ है सीता, वही पूछत फिर रहे कि सीता कहाँ, और वही भगवान सर्वज्ञ, वही भगवान सो जाते हैं उनके, फिर भगवान उठ जाते, ऐसी भी सर्वज्ञता होती जो सो जाए। ये आगम भी पढ़ाना पड़ता है, 18 दोस्त नहीं होते हमारे भगवान, थोड़ी तकलीफ तो होगी जीव को, परंतु ये बात पचाए बिना तुम्हें महिमा नहीं आ रही। अभी सर्वज्ञ बहुत बड़ी चीज, सर्वज्ञ यानी विश्व की सर्वोत्कृष्ट विभूति। सौ सौ इंद्र जिनके चरणों में पिल्ले की तरह ऐसे बैठे रहे, ऐसा लिखा शास्त्र, खरगोश की तरह पिल्ले की तरह। कोई पिल्ला कहना उसे उन्हें अच्छा नहीं लगता, पर ये कहते हैं कि इतना अपने को निहू करके बैठता है जो सौधर्मेंद्र, इतना पावरफुल देखता भगवान। क्या जीव को अभी सर्वज्ञता का बहुमान नहीं आ रहा, तो सर्वज्ञता प्रकट करने का पुरुषार्थ भी तो नहीं जाए। सर्वज्ञता का लक्ष्य बनाए में ना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा, ये कह रहे। पूर्णता का लक्ष्य होता तब सम्यक दर्शन हो, ऐसे नहीं होता कि आत्मा सीधे जानने में आ जाए। वो तो बहुत सरलता से समय सार में सामने रखा है, पर ये बेस जिसके पास है वो जल्दी से ज्ञायक को पकड़। तो सर्व आत्म प्रदेशों से जानते हैं, और ये सब ओर से जानते, सब प्रकार से जानते, सब प्रकार से यानी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। द्रव्य पानी देखो तो जीव द्रव्य एक, समस्त द्रव्यों को देखो तो अनंत अनंत द्रव्य, क्षेत्र देखो तो आत्मा के असंख्यात प्रदेश जानते, कितना बड़ा असंख्या, लोकाकाश प्रमाण असंख्या। गुणपनी देखो तो कितने गुण हैं आत्मा में, तो थोड़ी थोड़ी गहराता नहीं ना, ऐसे आत्मा जानते हैं, ऐसे सुन करके खुश रहता क्योंकि जिसके बारे में रुचि नहीं हो निपटाता है, हाँ हमें मालूम। अरे भैया ऐसा नहीं है, आप तो 2 रुपये की हंडी खरीदते तो बजा बजा के, और यहाँ तो इतनी बड़ी संपत्ति सौंप रहे, तू भगवान बनेगा, तुझमें सारी दुनिया को कैवल्य कला में उमड़ पड़े संपूर्ण विश्व का ही, एक एक चीज को जानने में तभी कैसा मोहताज। जोशी मिल जाए कोई बता दे एक आध साल आगे पीछे का तो पैर पड़ने लगता है। ये तो 3 काल की 3 लोक की जानते, व्यवस्थित जानते, जानने वाला व्यवस्थित हो जाता है, कर्तव्य तो भाग जाता है, सर्वज्ञता को प्रकट करने का रस आने लगता है। क्षण भर पिया है उसने रस, और ऐसा कहता है कि अब तो मोह की सेना पर विजय पाने के लिए मैंने कमर कस ली, मुझे नहीं लेना संसार, इसका रस आना चाहिए। ऐसे अपन उदास होके नहीं सुनना है, बहुत प्रसन्नता से अपने कार्य करने का इसे बहुत हर्ष होता है।
मैं भगवान बनूँ, मम्मी रसगुल्ला कल बनाओगी, अभी से निमंत्रण देता मम्मी, कितना अच्छा लगा था मम्मी, पुरानी तारीफ करे, आज भी मजा आ गया, अब कल बनाओगी मम्मी, इसको कहते हैं उसे रस आता। ऐसे हमारे भगवान ऐसे हो गए भगवान, हम भी बन जाएंगे तो अपने को ही भगवान से जोड़। भगवान सब आत्माओं के प्रदेशों को जानते हैं, सब प्रकार से जानते हैं, कितनी संख्या है भगवान से पूछ, सब जानते हैं। और भी किस विशेषता से वाले पदार्थों को जानते हैं, यानी सबकी विशेषताएं अलग अलग हैं, तो भगवान के ज्ञान में सब एक साथ झलकती हैं और अलग अलग दिखती। विभिन्न भेद के कारण भिन्न पदार्थों को जानते हैं, यानी कोई रूपी है, कोई अरूपी है, कोई विशेष गुण वाला, सामान्य गुण वाले, चेतन अचेतन, कैसा ज्ञान है, विशद ज्ञान, दिव्य ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, ऐसा। अभी आप अपने बड़े पुरुष का ज्ञान का अभिनंदन तो करो, ये कह रहे हम अभिनंदन करते। अमृतचंद देव कहते हम केवल ज्ञान का अभिनंदन करते, समय सार में क्या लिखा मान, पांचों ज्ञान ज्ञायक का अभिनंदन कर, कहाँ लिखा, 204 नंबर की गाथा में लिखा कि पांचों ज्ञान ज्ञायक का अभिनंदन करते। संवर अधिकार में लिखा कि आचार्य देव कहते भेद विज्ञान का अभिनंदन, यहाँ क्या कहते हैं, धन्य है वो केवल ज्ञान जिसमें आप कुछ जानने नहीं रहा, धन्य है वो अलौकिक उपलब्धि जिसके बाद कहीं गैर लुब्धता नहीं आती, बिना इच्छा के इतना सारा जगत जानते हो, जानने का रस नहीं, अलौकिक संपदा है, सारा कष्ट मिट जाता केवल ज्ञानी। मूर्त को जानते हैं, अमूर्त को जानते हैं, चेतन अचेतन आदि जाति भेद से भेद रूप से असमान सभी पदार्थों को जानते, इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट जानते, सबके गुण अलग अलग, ऐसा छाय ज्ञान है, कौन है ऐसा तो छाय ज्ञान है। अभेद नैसे वही सर्वे सर्वज्ञ स्वरूप है, अभी क्या कहलाता है अभेद नैसे, समय सार में आपको ये बता ना, समय सार में मोक्ष अधिकार लिखा और कहते मोक्ष निष्क्रांत है, और ये कहते अभेद हो गया, शैली समझ में आ रही, विराग भी वहाँ कहते हैं मोक्ष अधिकार में हमें मोक्ष नहीं बताना, हमें आत्मा बताना, हमारी प्रतिज्ञा है हम एकत्व विभक्त आत्मा, यहाँ कहते हैं हमें मोक्ष प्रकट कराना, हमें मोक्ष स्वांग नहीं बताना, हमें तेरा जीवन बताना, मोक्ष रूप परिणमित हो तेरी शोभा, ऐसे अल्पज्ञ रूप परिणमित होना ये कलंक है, दुख है, दुख की परिपाटी, उपयोग बदलता है, चंचलता आती है, राग खड़ा होता है, कष्ट होता है, बंद होता है, यहाँ क्या कह लेते हैं केवल ज्ञान होना अभिनंदनीय है, कौन सा ग्रंथ अच्छा है? अभेद नैसे बताओ, महावीर स्वामी जीव तत्व मोक्ष तत्व अलग अलग है कि एक ही, प्रवचन साल अलग अलग तो है तत्व की तरफ से अलग, परंतु यहाँ अभेद नैसे भगवान महावीर को तुम कैसे देखोगे राइस भैया, केवल ज्ञानी भगवान, वो वहाँ कैसे देखोगे, ज्ञान स्वभावी आत्मा और केवल ज्ञान दो तत्व न्यारे न्यारे, जीव तत्व और मोक्ष तत्व अलग अलग है, और यहाँ क्या कहोगे आज जीव तत्व मोक्ष तत्व रूप परिणमित हो, समझ में आना ही बहुत कठिन है, पर पक्ष नहीं बनाए तो सब समझ में आता। अभेद नैसी वही वही जीव सर्वज्ञ स्वरूप, सर्वज्ञ सामर्थ्य, और आज सर्वज्ञ दशा, और सर्वज्ञ दशा नहीं, उस महावीर स्वयं सर्वज्ञ हो गए, सर्वज्ञता रूप परिणमित हो, सर्वज्ञता की सामर्थ आज पूरी खिल गई, काय में से सर्वज्ञ स्वभाव से, उपाय क्या किया, निस्वभाव साधन अपनाए, जो ग्रस्तपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन से चार घातिया कर्मों का क्षय होने पर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, अनंत ज्ञान द्वारा ऐसा देखते, अनंत दर्शन द्वारा ऐसा अवलोकन कर, कैसी परिभाषा, बड़े पंडित जी बोलते जो कोई तरीका सीधी बता देते सब कुछ जानते,
सर्वकृत जी कब बता रहे, गृहस्थ बना छोड़कर मुनि व्रत नहीं, मुनि धर्म एक एक में मिथ्या टोड़ा, एक एक गृहस्थपना छोड़वाए, घर नहीं छोड़वा, क्योंकि तुम यहाँ छोड़ते घर वहाँ घर बनाते हो, तो तुम्हारा घर कहाँ छूटा। और निस्वभाव साधन अपनाए, वो दूसरे साधन नहीं अपनाए कि जो अपन ने समझ रखी, आत्मा के आश्रय से भगवान हुए। मुनि व्रत धारण करके नहीं लिखा डॉक्टर साहब, मुनि धर्म लिखा, सो दो योग रू धर्म। महाव्रत तो इस जीव ने अनंत बार लिए, दीक्षा अनंत बार लेता है, पर आत्मा नहीं समझने की कोशिश कर। तो आज अभेद नैसे देखोगे तो हमारे महावीर भगवान, महावीर भगवान वे बैठे, सर्वज्ञ भगवान महावीर। अरे तो पर्याय हमें नहीं चाहिए पर्याय, ऐसे ऐसी बुद्धि वाले को तो सम्यक दर्शन भी कुशल। अरे सर्वज्ञता, अपना लड़का सीए हो जाए तो ऐसा कहता क्या गजब, वहाँ तो मूरख चंद की जो पेट भरने की विद्या पढ़ा है उसकी तारीफ करता, और यहाँ भगवान हो गए तो कहते पर्याय, मैं तो भगवान आप ही के जैसा। अभी तो पूजा में अकल कितनी चाहिए अपन, भगवान के समान पूजा में नहीं करना, छाए ज्ञान पूज्य आश्रय लेने में भगवान के समान द्रव पकड़, नहीं तो पूजा भी नहीं बनेगी। ग्वालियर में थे वो बाबू जी दर्शन करने, तो एक व्यक्ति पढ़ रहा था भगवान के साथ, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा मैं सदा तर, क्या एक स्वभावी आत्मा। तो बड़े अपने युगल जी बाबू प्रवचन करने बैठे तो बोले ज़्यादा आत्मा आत्मा मत किया कर, अब बच्चा नहीं था कितना बड़ा था क्या था याद नहीं, पर वो बोले भगवान के सामने भगवान के गुणों का स्मरण किया जाता है, भगवान के सामने चतुराई नहीं बताई जाती, भगवान के सामने ही बताया जाता, प्रभु आपने क्या क्या बताया कमाल कर दिया, आपका महा उपकार, उपकार ही याद नहीं आए पूजा कैसे करेगा। पूजा छाए ज्ञान की होती, और आश्रय सर्वज्ञ स्वभाव का होता। तो अभेद से वह भी वही सर्वज्ञ स्वरूप है, वही उपाधेय स्वरूप, अनंत सुखादि अनंत गुणों का आधारभूत। अब कहते सर्वज्ञ स्वभाव था तो पूर्ण विकसित हो गया, तो आश्रय उसका लेता। इस तरह से सब प्रकार से उपाधेय रूप से भावना करना चाहिए, सब प्रकार से यानी प्रदीप भैया स्वभाव आश्रय लेने लायक उपाधि, सर्वज्ञता मोक्ष तत्व प्रकट करने लायक उपाधि, संवर निजरा मार्ग उपाधि प्रकट करने, संवर पढ़ने लायक नहीं है प्रकट करने लायक, भिन्न है मुझसे अभी नहीं पढ़ना, भिन्न नहीं प्रकट करने योग्य। हाँ, और जो जो राग खड़ा किया है सब है, चाहे नहा के आया हो चाहे बिना नहा के आया, कोई भी राग धर्म नहीं है, धर्म तो धर्मी के आश्रय से प्रकट होते। 48 नंबर की गात, जूण बेजान दि जुगबम अति काली गेति बढ़ती राधुम तस्ण सक्कम सपज्जयम दब्यमेघम वा भूत्रकालत्रैलोक्यवर्तिद्र यो युगपतग्रे नहीं पर्ययुत्व एक द्रव्य भी जान सके वह कभी नहीं। अब यह निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता। ये पढ़ने के बाद समयसार पढ़ा जाता है, अच्छा 14-15 गाथा पढ़ोगे तो वो कहेंगे एक को जान लिया यानी तूने पूरे जनशासन को, कि जान ही नहीं सकते तुम एक को। जब तक तुम ऐसी सामर्थ्य वाला आत्मा नहीं जानोगे तो तुम एक को भी नहीं जानोगे, क्योंकि एक के जानने में रस तो यहाँ टपकता, भरा तो इसमें आनंद का भंडा, तो वो रस नहीं आता ना, और एक को जानने लगता तो वो कैसे जानता, ऐसा 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 करता है, ऐसा ऐसा ये ऊपरी ऊपर नाचता है, वो यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सर्वज्ञ सामर्थ्य से 80 नंबर की गाथा में अरहंत को क्यों खड़ा किया, विराग विचार ना अरहंत को खड़ा करते। अभय जी बोले सीधे सीधे आत्मा जान लेते क्या नुकसान, कि तुम सीधे आत्मा जानते तो तुम्हें विकसित आत्मा का सामर्थ्य पता कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी बूंद बराबर ज्ञान है और हमें बताना है ज्ञान का भंडार, तो वो ज्ञान का भंडार तो इनसे पता चलता है ना, कितनी ताकत वाला ज्ञान, किसी की खिली हुई ताकत को देख के लगता है कि ऐसा ज्ञान मेरे में, तो फिर वो लौटता है।
महिमा आत्मा की नहीं आएगी तो परिणति नहीं लौटेगी। इतना सस्ता नहीं है आत्मा का जानना जितना जीव ने छह सम के बल से मान रखा। यहाँ बिल्कुल इतना सरल, ऐसा भिन्न राग आत्मा भिन्न है भगवान है ऐसे कह देना बहुत सरल, पर वो परिणति लौटा के बताओ, जरा एक आध मिनट बैठ के बताओ। एक गाय की आश्रम इतने विकल्प खड़े करती है क्योंकि अज्ञान में आनंद नहीं आता, रस आना चाहिए। शिवभूति ज्यादा नहीं पड़ी थी पर इतना रस आया उन्हें, अरे आपने तब क्या गजब बता दिया, मोक्ष कितना सरल धर्म है, छिलका भिन्न है। अब वो छिलका भिन्न और दाल भिन्न में कितना पावर रहा होगा, क्योंकि उनका उपयोग उलझा नहीं था इसलिए रस आए, पशुओं का उपयोग उलझता नहीं है इसलिए काम कर लेते, और आदमी का दिमाग बहुत घूमता है तो वो गया तो फिर शेर वाला सम्यक दर्शन ढूंढता फिरता है कि मोहनी धोया था और समास बिजतर था और सम्यक दर्शन हो कि तू भी शेर बनेगा तब होगा तुझे, ऐसा सस्ता नहीं समझ है सम्यक दर्शन, शेर बनना पड़ेगा। इतना सस्ता वाला सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन कठिन इसलिए नहीं है कि स्वभाव की स्वीकारता, पर स्वभाव इतना उपलब्ध होने पर भी रस तो तेरा संयोग में बैठा, वहां से हटता ही नहीं, तो उसके लिए कितनी कोशिश है। आप इनके उपकार को सोच नहीं सकते, कब से चल रही है गाथा ज्ञान प्रमाण ज्ञान प्रमाण, 20 गाथा से लेकर ये 52 गाथा तक एक चीज को बताने में लगाए कि तू ज्ञान स्वभाव ही भगवान। तो आज के तरीके देख लो संजय भैया, आज क्या कहते, जो सबको नहीं जानता वो आत्मा को नहीं जानता। ये जो आज तो उल्टी सीधी बात है, जित समय सार से पूरा अलग हट के बात करें, समझ में आना भी बहुत ताकत लगेगा कि जो सबको नहीं जानता वो एक आत्मा को भी नहीं जानता। कैसे देखो, जो एक ही साथ त्रैकालिक त्रिभुवन स्थित तीनों काल के और तीनों लोकों के पदार्थों को नहीं जानता है, उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है। फिर से पढ़ते, जो यानी पुरुषार्थी जी एक ही साथ यानी एक समय में क्या क्या, त्रैकालिक, त्रैकालिक यानी भूत वर्तमान और भविष्य, और तीन लोक यानी ऊर्ध्व लोक मध्य लोक अधोलोक, अरे इतने ही नहीं और आगे अलोकाकाश, सबको सब पदार्थों को नहीं जानता। नहीं जानता अकेले में नहीं रुकी, कैसे नहीं जानता है, पर्याय सहित नहीं जानता, और अपन सबको एक समय की पर्याय पकड़ में नहीं आती, गणधरदेव को पकड़ में नहीं आती, तो गणधरदेव भी आत्मा नहीं जानता। समझना जरा क्या कह रही है गाथा, कि हाँ गणधरदेव भी सर्वज्ञ वाली आत्मा नहीं जानता, जैसे सर्वज्ञ जानते गणधर देव भी ऐसा ज्ञाता आत्मा नहीं दिखती जिसमें पर्याय एक समय की दिख जाए। गणधर देव के ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान, गणधर देव के ज्ञान अल्पज्ञता का ज्ञान, गणधर देव पूरी आत्मा नहीं देख पाते, आत्मा नहीं देख पाते यानी न प्रदेश दिखते न गुण दिखते न एक समय की पर्याय दिखती, तो वो पूरा आत्मा नहीं जाना जैसा भगवान ने देखा है बताना चाहते, अद्भुत सामर्थ्य बताना है कि तू ही ज्ञाता आत्मा, अपने आत्मा को जब केवल ज्ञान की सामर्थ्य से नापेगा तो तुझे लगेगा ये है ज्ञान वास्तव, तब तो वो गेय होकर रस मरेगा, तब तो क्षेत्र में हेता लगेगी, तब तो इंद्रिय ज्ञान तुझे लगेगा कि ये मेरी शोभा नहीं, नहीं समझ में आया। फिर से पढ़, जो एक ही साथ यानी एक समय में चर अचर लोक अलोक त्रैकालिक सारे क्षेत्र गुण पर्याय सब कुछ एक समय में जानता, पहली त्रैकालिक तीनों काल के त्रैलोक तीनों लोकों के कितने पदार्थों को, सारे पदार्थों को, तुम तो पीठ के पीछे भी नहीं बता सकते कल क्या खाया था ये भी याद नहीं रहता। अरे अपना मूड ऐसा होता है कि अपन चेहरा उदास हो और अपन से कोई पूछे कि भाई साहब क्या हो गया, क्या पता नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा कि क्या है, कि हमें ही नहीं बता पा रहे कि क्या है, इतना तो अच्छा दिमाग है तुम्हारा, ये इसको हेता बता है कि कब खाओगे आज कब बना लें, कि हमें नहीं मालूम जो बना लें, कि भूख तो तुम्हें लगी तुम्हें बताना चाहिए ना,
ये अपन रोज घरों में भूख रहे, क्योंकि तुम कब क्या खाओगे कि हमें नहीं मालूम जो बनेगा, तो तुम्हें भूख नहीं लगी क्या, कि लगी तो बताओ ना, कि बताना नहीं आता, ये बुद्धि काम नहीं करती और अब भूख लगी, काहे उदास हो, कारण ही नहीं समझ में आता, अपने को रोग और अपने ही रो रहे और अपने ही नहीं समझ पा रहे और डॉक्टर से पूछ रहे आप बताओ हमें क्या रोग हुआ, अरे तो तुम्हें रोग है डॉक्टर का बता, तुमने बताना चाहिए, दिमाग ही नहीं है, क्षयोत्तम ज्ञान यानी कमजोर ज्ञान, वो तो समय सार में तारीफ इसलिए की कि उस ज्ञान ने गाय देख ली, तो इसलिए था बहुत अच्छा, कम से कम एक काम तो कर ली जो अनादि से नहीं किया, पर यहाँ तो भैया उसे काम कहते जिसे पूर्णता पे देख ऐसे इस स्वभाव का इनको देख कैसा है तेरा गया, जो एक ही साथ त्रैकालिक त्रव अनिश्चित तीन काल के तीन लोगों के सारे पदार्थों को नहीं जानता उसे पर्याय से एक द्रव्य का जानना शक नहीं, तो हमें बताओ विराग भैया पंद्रहवीं गाथा में लिखा वो तो सब जानता, जो पश्चदी अपाणम पश्चदी जनशासनम सब, उसने तो पूरे जनशासन को देख, उसने मालूम कैसा देखा जनशासन, बस समझ गया भैया ऐसे ही सब कुछ होगा जैसे हम हैं, बस इतना समझता बचा उसे, अब द्वादशांग नहीं पढ़ने का अर्थ पढ़ने नहीं का अर्थ है उसे, अब ज़्यादा गेय ज्ञायक के बारे में विकल्प नहीं उठ, सारा समझ गया कि बस जो आत्मा है ना वह ऐसी सब आत्मा, अब वो डिटेल क्या है कि डिटेल कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं जानता डिटेल वगैरह, वो आनंद भोगने जानता बस, और जैन शासन में समय सार आनंद भोगने के लिए लिखा, प्रारंभ तो करो 144 के आत्म लिखा, इसमें सम्य दर्शन सम्य ज्ञान है, इसमें ज़्यादा आसानी कर, श्रद्धा का पाप मिटाना वो, तो इसने समझ लिया हो गया पूरा, अरे पूरा नहीं हुआ प्रारंभ किया है सर, बहुत मनोविज्ञान है, बहुत बहुत उत्कृष्ट विशाल हृदय का आदमी होना चाहिए बचाने के, पक्ष बना के कभी नहीं बैठना कि हम बस सफिशियंट, अरे गणधर देव सुनते तीन बार चार बार सवा दो दो घंटे खड़े होके हाथ जोड़ के, सोचो वो कितना गंभीर सा, क्या द्वादशांग में सब नहीं आए, अरे सब आने पर भी कहाँ सर्वज्ञता कहाँ बूंद बराबर है, वो कहते सर्वज्ञ देव के सामने खड़े, तो एक भी द्रव्य जानना शक नहीं है, तो प्रदीप भैया वो आत्मा जानता है कि नहीं, नहीं नहीं अभी प्रवचन सार में बैठे हो, वो गणधर देव का आत्मा अपनी आत्मा को जानता है कि नहीं, प्रवचन सार का उत्तर दो, नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, क्योंकि वो पर्याय सेहत नहीं पकड़ पाता, एक समय की पर्याय नहीं पकड़ में आती, नहीं आती पकड़, छदमस्त की लाचारी है कि वो एक समय की पर्याय रूप पर्ण में तो आत्मा नहीं पकड़ता, इसलिए वो आत्मा नहीं जानता का अर्थ है वो अनुभव ही नहीं है, वो नहीं बताना है, बताना ये है उसे सम्यक दर्शन नहीं, ये भी नहीं बताना, और वो आत्मा का अनुभव कर चुका है प्रत्यक्ष, परंतु मोक्ष मार्गी होने पर भी केवल ज्ञान में जैसा आत्मा, कैसा आत्मा पर्याय सहित, एक एक समय की पर्याय सहित परिणमता आत्मा, ज्ञाता आत्मा, बाकी के सब गे आत्मा, ऐसा जानता है, यहाँ एक एक प्रदेश जानता है, एक एक गुण जानता है, एक एक पर्याय जानता है, मैं मारीच था महावीर स्वामी को ऐसा दिखता पर्याय, ऐसी खड़ी पर्याय दिखती, और मैं सिद्ध हूँगा दो मिनट बाद ऊपर ये सिद्ध दिखती, और बिल्कुल दोनों पर्याय दिखती है और जरा सा प्रणमन विकृत नहीं, ऐसा अद्भुत ज्ञान, अभी ज्ञान के प्रति आदर तो लाओ, वो प्रशंसा कर रहे तो अपन भी प्रशंसा, अपन ऐसे संतुष्ट नहीं हो जाओ हमें सब जान लिया, हमें सब पता, जिसे ऐसा लगता है बड़े पंडित जी उसे कहते इसके छह समय एकत्र हो गया, ये इसके आगे बढ़ना रुक गया, मैं सब जानता हूँ लगे समझ लेना तुझे, अब तुझे ज्ञायक की जरूरत नहीं रहेगी, छह समय में संतुष्ट, ठीक है, इस विश्व में फिर से बच्चों जैसे पढ़ाते, एक आकाश द्रव्य, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक असंख्यात काल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य, और उन्हीं के प्रत्येक के क्या है अति अनागत वर्तमान, ये सब क्या है उसकी तीनों काल की भेद वाली निर्वधि, यानी जिसमें कोई उपाधि नहीं, किसी के काल से नहीं, सब क्रमबद्ध सहज अहेतुक पर्णमन वृत्ति प्रवाह, वृत्ति प्रवाह यानी पर्णमन की धारा चल,
धारा धारा कह के यानी कंटिन्यूटी में परिणमन होता है। एक समय कह करके उन्होंने सारा बोझ गे की तरफ से पर की तरफ से अपेक्षा का उठा दिया। वृत्ति प्रवाह के भीतर पढ़ने वाली समझ आने वाली अनंत अनंत पर्याय है। इस प्रकार यह समस्त द्रव्यों और पर्यायों का समुदाय गे, ये ज्ञाता वो गे, समस्त द्रव्यों पर्यायों का समुदाय गे है, उसी में ही एक कोई भी जीव द्रव्य गाता। बताओ कौन बताए? श्रेयांश जैन। छह द्रव्य और उनने कहा कि इसमें द्रव्य गुण पर्याय सब अनादि अनंत व्यवस्था अप टू डेट और परिणमन धारा निरपेक्ष, और वो कहे ये सब गे और उन्हीं में ये ज्ञाता। गजब की बात श्रेणी, वही गे हैं सब और उन्हीं में ये ज्ञाता। क्या अर्थ है? मैं ही ज्ञाता हूँ। जब मैं अपने रूप ज्ञाता रूप परिणमित होता हूँ ना ऐसे केवल ज्ञान रूप, तो सारा विश्व तो गे है, मैं भी गे। छह द्रव्य में मैं गे भी हूँ और मैं ज्ञाता भी हूँ। दो दो बातें बता, छह ही द्रव्य गे और मैं उसमें दो गुण वाला हूं, मैं अपने को भी जान रहा हूं और सारा जगत भी जानने में। बहुत महिमावंत जैन शासन मिला अपन को, बैठे बैठे प्रसन्न होना चाहिए हमें, भगवान मिल कैसे गए, सारा जगत देव कैसी चपेट में आता। बेचारा सुखी होने के लिए संयोग कलेक्शन करता, उसे ऐसा लगता है कि हम बड़े आदमी हो गए कि बहुत दुखी है। डॉक्टर साहब बोले कि एक आदमी बोला मैं कभी बीमार नहीं पड़ता, देखो मेरे साथ दो डॉक्टर 24 घंटे लगे रहते हैं और दो बॉक्स दवाई के भरे रहते, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। तो बताओ कितनी अच्छी बात बता है, ऐसी बात है जैसे मेरी माँ बंध्या है और देखो मेरी सूरत, ऐसी बात है खुद ही करने से खुद कर रहा। अरे अद्भुत सामर्थ्य भाई, अद्भुत सामर्थ्य है। इसकी शेष चर्चा अपन बात सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सेजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सेजानंदी एक सूचना यह है कि लगभग 2 माह पूर्व यहाँ बोलता समय सार का विमोचन किया गया था, इसमें 1 की राशि प्राप्त हो गई थी और जिनको भी चाहिए वो राशि जमा कर दें, उसके बाद ही वहाँ से ग्रंथ आता है। तो कल वहाँ से ग्रंथ रवाना होने वाले हैं, जिनको भी चाहिए हो 5000 रुपये की राशि एक ग्रंथ की है, तो आप वो राशि जमा कर दें जिनके नाम आए थे, तो लगभग 10 दिन वो ग्रंथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सेकेंड बात यह है कि हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश जी साहब नागपुर से पधारे हुए हैं, डॉक्टर बिमला जी पधारी हुई हैं नागपुर से, आप नागपुर के अभिन्न अंग हैं और मोक्षु मंडल नागपुर के बहुत समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। डॉक्टर साहब जो सुरेश जी पीछे बैठे हुए हैं, कोई भी काम हो अपने को मेडिकल संबंधी, उसमें सही सलाह सही डॉक्टर तक पहुंचाने का काम वो करते हैं, स्वयं स्वाध्यायी भी हैं। डॉक्टर बिमला जी जो हैं, इसलिए विशेष कहने का भाव आया कि सतपथ जो कार्य कर रहा है नागपुर में और जो मोक्षा प्रकाशक का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था उसमें आदरणीय बिमला बुआ जी का बहुत बड़ा योगदान था, न केवल वो कार्यकर्ता के रूप में बल्कि गहन स्वाध्याय के रूप में वो अपना योगदान देती हैं। मैंने कई बार देखा है कल्पना बहन की क्लास चलती है ऑनलाइन मंगलायतन के माध्यम से, उसमें बाकायदा कॉपी पेन लेकर के उसकी क्लास अटेंड करती हैं। हमारे विकास जी छावड़ा जो क्लास लेते हैं वहाँ शिविरों में जाती हैं, तो समर्पित आत्मार्थी के रूप में वो अपना कार्य कर रही हैं। हमारे पूरे मंडल की ओर से उनका दोनों का हार्दिक स्वागत है और उनसे निवेदन है कि वो यहाँ पधार करके नई पुस्तक भैया की आई है पूजन की, दोनों एक एक पुस्तक भैया के हाथ से ग्रहण करें। सुरेश जी साहब से निवेदन यहाँ पधार जाएं, बिमला बुआ से पधार जाएं। हाँ हमारे नरेश जी साहब जो संघई जी हैं उनके आप भाई हैं और बहुत ही समर्पित, यानी कहना चाहिए नागपुर के कोई भी काम हो अपने को उनको बोल दें तो सहज में वो काम संभव।